हाय एवरीवन, दिस इज गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने किया था सरोजनी नगर हॉल और इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ शास्त्री मार्केट हॉल। तो शास्त्री मार्केट एक फ्ली मार्केट है, जैसे सरोजनी है दिल्ली में वैसे ही शास्त्री मार्केट है चंडीगढ़ में, और उसको सेक्टर 22 मार्केट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज लोकेटेड इन सेक्टर 22 चंडीगढ़। तो मैं वहां पर कुछ टाइम पहले गई थी, तो मैं जो भी सामान वहां से लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो क्या है ना कि वहाँ पर मैं यूजुअली वीकेंड्स पर ही जाती हूँ और सेल लगी होती है 200-100, इट डिपेंड्स, ठीक है। और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैं कुछ शॉर्ट्स लेना चाहती थी और यू नो लूज़ शर्ट्स और लूज़ टी शर्ट्स लेना चाहती थी इस टाइप के, क्योंकि पहले मैं यू नो ऐसी लूज़ टी शर्ट्स इतनी नहीं पहनती थी, बट पिछले कुछ टाइम से मैंने ये स्टार्ट कर दिया है पहनना बिकॉज दे आर वेरी कम्फर्टेबल स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। ये आप लोगों ने मुझे देखा होगा पहने हुए कुछ वीडियोस में, ये वही है बोल रही हूँ ना कि मैं अब नहीं गई थी, बहुत टाइम पहले गई थी, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि इसकी क्वालिटी कैसी है और किस प्राइस पे मैं इसको लेकर आई। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ये है और ये पड़ा मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ का एंड बार्गेन वहाँ पे नहीं कर पाई मैं क्योंकि 200 रुपीज़ का था और फिक्स्ड प्राइस था, तो वहाँ पर वैसे भी आप बार्गेन नहीं कर पाओगे उनसे वेंडर से क्योंकि वो आपको 200 का है तो 200 में ही देंगे बिकॉज इट्स फिक्स्ड ऑन दैट प्राइस। या ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, मैं इसको सीधा करती हूँ। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, मेरे पास ऐसे कलर में कुछ नहीं था तो मैंने ये भी ले लिया वहाँ से एंड ये भी 200 का ही था क्योंकि ये दोनों मैंने एक ही जगह से लिए हैं। ओके, सो दोज वर द टू टी शर्ट्स दैट आई गॉट और चलते हैं नेक्स्ट। ही मैंने लिया एक एंड आई ऑल्सो गॉट अनदर वन। तो इस टाइप के जो शॉर्ट्स होते हैं ना, दे आर वेरी समर अप्रोप्रिएट, बहुत कंफर्टेबल होते हैं एंड आई गॉट बोथ ऑफ दीज शॉर्ट्स फॉर 200। अगेन 200 वाली सेल से मैंने लिया है जहाँ पे फिक्स प्राइसेस थे, मुझे जो दिखता गया मैं लेती थी बिकॉज मुझे याद है भीड़ बहुत थी एंड इट वाज क्वाइट हॉट ऑन दैट डे। तो या ऑलराइट, तो ये तो था कुछ सामान जो मैं अभी कुछ टाइम पहले जाकर लेकर आई थी। उसके पहले भी मैं गई थी एंड आई थिंक इट वाज सम मंथ्स बैक व्हेन आई हैड विजिटेड देयर। वहाँ से मैं लेकर आई थी ये ब्राउन पैंट्स। आई थिंक इसके बारे में मैंने जिक्र किया है कि मैं ये वाले ब्राउन पैंट्स जो है ये लेकर आई थी। ऑलराइट, तो जो सामान मैं पहले लेकर आई थी वो मैं दिखाती हूँ। ये है वो ब्राउन पैंट्स, इसके बारे में शायद मैंने पहले जिक्र किया है कि मैं ये वहाँ से लेकर आई थी और ये मुझे कोई यू नो अफोर्डेबल प्राइस पर नहीं मिला। आई गॉट दिस फॉर 950 एंड लेट मी टेल यू इट वॉज वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस पैंट। यू नो वाई? बिकॉज क्वालिटी इतनी अच्छी है, लाइक द पैटर्न, द मटीरियल, आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। तो इट वॉज अ वर्दी इन्वेस्टमेंट और मैं बार्गेन करके इसको 950 पर लेकर आई क्योंकि जो मुझे प्राइस बता रहे थे वही 1300-1400 बता रहे थे एंड आई वॉज लाइक कि इसको तो मैं कम करवा के रहूँगी एंड फिर बार्गेन कर करके ये 950 पर लेकर आए क्योंकि इससे नीचे वो मान नहीं रहे थे। यही सेम पैंट्स मैंने यू नो अर्बैनिक पर देखी थी, तो वहाँ पर भी इतने प्राइस रेंज में ही थी ये एंड वहाँ पर भी जब मैं शॉप पे गई तो वहाँ पर भी मुझे सेम ही प्राइस पे दे रहे थे। बस लाइक यार ये तो मुझे लेनी, आई रियली वॉन्ट टू यू नो गेट माई हैंड्स ऑन दिस वन, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपके ना आँख में अटक जाती है एंड यू रियली वॉन्ट टू बाई देम, राइट? तो ये उनमें से एक थी एंड आई वॉज लाइक कि यार ये तो मैं लेकर ही जाऊँगी। ये थोड़ी सी मुझे लंबी आती है बट यू नो वो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ इसके नीचे हील्स या बूट्स पहन के, ये बिकॉज थोड़ी सी हील्स के साथ ना ऐसी पैंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, राइट? और थोड़ी बहुत अगर लंबी है भी तो इसको मैं यू नो थोड़ा ऊपर पहनती हूँ तो दैट ऑल्सो रियली वर्क्स। बट जब आप ये पहनते हो ना तो ये इतनी शानदार लगती है, लाइक इसका लुक इतना अच्छा है। मुझे ये जब शास्त्री मार्केट में दिखी ना, आई वाज लाइक ये तो मेरी यार, ये तो मैं लेकर आऊँगी। या ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पैंट एंड नेक्स्ट जो मैं लेकर आई थी वो है ये स्लिंग बैग। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने इंस्टा पे काफ़ी इसके बारे में पोस्ट किया है। इसके बारे में बात इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, इसका लुक इतना अच्छा है। आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹450, अगेन अ वर्दी इन्वेस्टमेंट एंड काफ़ी महीने हो गए तब से ये मेरे पास है एंड यू कैन लुक एट इट, कहीं से कुछ ख़राब नहीं हुआ, फेड नहीं हुआ एंड
इट इज एज इट इज जैसे मैं लेकर आई थी। इसका लुक वगैरह अगर आप देखें तो काफी अच्छा है। हील्स भी लेकर आई थी। अब देखो यार वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पर ना जब आप एंटर करते हो ना तो बहुत से लोग बाहर हील्स और ज्वेलरी बेच रहे होते हैं, राइट। तो वहाँ पे प्राइस अलग है। वहाँ पे हो सकता है कि वे आपको 100, 150, 200 में बेचें, पर ना जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हो ना तो वहाँ पर दो शॉप्स हैं, वहाँ पर ना हील्स ही हील्स मिलती हैं। और वहाँ पे दो तीन ऐसी शॉप्स हैं जो मैंने देखी, और भी हो सकती हैं, हो सकता है मैंने तो एक्सप्लोर ना किया हो, बट मैंने दो तीन तो देख लिया सामने सामने। वहाँ पर ना सिर्फ वो हील्स बेचते हैं, वो हर टाइप हर पैटर्न की, मतलब उनके पास ना इतना स्टॉक है हील्स का, मतलब वो हील्स बेचते हैं हर टाइप की हर पैटर्न की, एक से एक हील्स होती है उनके पास। और देखते ऐसा लगता है यार पूरी दुकान ही खरीद लो। या बिकॉज आई रियली यू नो इट्स रियली डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो मैं फर्स्ट टाइम जब गई थी ना तो मैंने हील्स नहीं ली थी, मुझे लगा यार कैसी क्वालिटी होगी, क्या होगा नहीं होगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम गई थी तब मैंने एक हील्स ले ली, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है वो हील्स जिसके बारे में बात कर रही थी, और आई गॉट दिस फॉर 450। अगेन बहुत स्केप्टिकल थी कि यार क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगा नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू मेरे पास काफ़ी महीने से हैं एंड कहीं से टूटी फूटी नहीं है, कलर फेड नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। सेम चीज़ मुझे मिंत्रा पर भी मिल जाती, बट जब मैंने वहाँ इसको देखा तो मैंने कहा कि अभी ले लेती हूँ, वरना फिर बाद में मुझे पता है कि मैं नहीं लूँगी। या सो आई रियली वॉन्टेड टू सी कि क्वालिटी कैसी है नहीं है। तो या आई मीन दिस हैज़ पास द टेस्ट एंड द क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड आई मस्ट से। जो जो मैं चीज़ें लाई हूँ ना, लाइक जो भी मैं सामान लाई हूँ वहाँ से, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि खराब हुआ हो या टूटा फूटा हो, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। तो पैसे मेरे वेस्ट नहीं हुए किसी भी चीज़ में, राइट। सो दोज़ वर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट एंड अब मैं आपको ये ट्राई करके दिखाने वाली हूँ कि मुझ पर कैसे लग रहे हैं। ऑल्दो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोगों ने पहले देखी है, बट स्टिल लेट मी शो यू हाउ ईच एंड एवरीथिंग लुक्स ऑन मी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड।